हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि हमारी कौन कौन सी एक्टिविटी, ह्यूमन बीइंग्स की कौन कौन सी एक्टिविटीज से एनवायरनमेंट में क्या क्या इफेक्ट होता है. तो जो भी इफेक्ट्स हमने किए थे वो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. जो लास्ट हमारा इफेक्ट है दैट इज ओजोन डिप्लीशन, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ओजोन क्या है? ओजोन और कुछ नहीं, सिर्फ एक ऑक्सीजन का ही मॉलिक्यूल है जो कि O3 फॉर्म में पाया जाता है. नाउ ओजोन इज यू नो हार्मफुल फॉर अस और यूजफुल फॉर अस. ओजोन एक्चुअली ओजोन जो लेयर है दैट इज यूजफुल फॉर अस बिकॉज जो ओजोन लेयर है हमारे एनवायरमेंट को ऑल द जितने भी हमारी यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज और हार्मफुल जितनी भी रेज हैं जो हमारे एनवायरमेंट में नहीं आनी चाहिए उनको क्या करती है, रोकती है और हमें उन रेस से प्रोटेक्ट करती है. क्लियर? तो टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस पहले हम बात करते हैं हमारी एटमॉस्फेयर की. जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ से अराउंड 600 किलोमीटर के अराउंड फैला हुआ है, तो उसमें जो सबसे पहली जो हमारी लेयर होती है दैट इज थर्मोस्फीयर. थर्मोस्फीयर लेटर ऑन जो नेक्स्ट लेयर है उसको बोला जाता है मेसोस्फीयर. जो थर्ड लेयर है दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर. स्फीयर और जो बिल्कुल अर्थ के पास है टुवर्ड्स द अर्थ दैट इज ट्रोपोस्फीयर. नाउ जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर जो बिल्कुल हमारे अर्थ के पास है, राइट, जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर है दिस इज अ एरिया, ये वो एरिया है जिसमें हमारी ओजोनोस्फीयर प्रेजेंट होती है और ओजोन लेयर क्या है हमारी प्रेजेंट होती है. इसका जो रेंज है प्रेजेंट होने का दैट इज 18 टू अराउंड 26 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, राइट. अब ये जो प्रेजेंट होती है यहां पे O3 इज प्रेजेंट जो के ऊपर से कोई भी हार्मफुल रेज आने, जो भी हार्मफुल रेज आ रही हैं उसको प्रोटेक्ट करती है, हमारी अर्थ को अर्थ तक नहीं पहुंचने देती, राइट. तो इस एरिया को, दिस एरिया और ओजोस्फीयर इज नोन एज ब्लैंकेट शीट और ब्लैंकेट फॉर अर्थ. ब्लैंकेट बोला जाता है अर्थ, राइट. नाउ दिस O3 कैन बी ब्रोकन, इसको ब्रेक किया जा सकता है विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की हेल्प से. O3 जो है इसको डिसोशिएट किया जाता है जब सनलाइट पड़ती है, तो क्या होता है O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन प्लस O का एक एटम रह जाता है. क्लियर? सो दिस इज ओजोन जो कि स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर में प्रेजेंट होती है. रेंज होती है उसकी 18 टू 26 किलोमीटर. इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैंकेट फॉर अर्थ बिकॉज ओजोन जो करती है प्रोटेक्ट करती है हमारे एनवायरमेंट को फ्रॉम द हार्मफुल रेज. बट आजकल ड्यू टू यूजेस ऑफ डिफरेंट यू नो मशीन्स जो ओजोन है वो क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, वो डैमेज हो रही है, राइट. अब इसको ओजोन को सबसे ज्यादा जो चीज इफेक्ट करती है व्हाट वाज दैट, दैट इज क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो कि जितने भी एसीज रेफ्रिजरेटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट में जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन है उसके क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, उसके नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं. ये जब नंबर इंक्रीज हो जाता है तो ये एनवायरमेंट में इसका जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई जिसकी वजह से इट विल डिसोशिएट द ओजोन लेयर जो कि ओजोन लेयर को इफेक्ट कर रही है, खराब कर रही है. एंड इट इज यू नो वेरी अमेजिंग टू नो दैट ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ
सिर्फ एक एटम, सॉरी एक एटम जो आपका क्लोरीन का है वो क्या कर रहा है, हमारे ओजोन लेयर को थाउजेंड्स ऑफ ओजोन जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनको ब्रेक कर सकता है. ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन. सो दिस इज द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एनवायरमेंट, राइट. तो अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो आपका ओजोन है वो क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है. और डिप्लीट होने की वजह से क्या हो रहा है, जितनी भी यूवी रेज वगैरह है वो हमारे एनवायरमेंट में बहुत इजीली आ रही हैं, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ कैंसर है, जो स्किन कैंसर है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. एंड देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमारे एनवायरमेंट में इंक्रीज हो रही है, राइट. नाउ एक और इफेक्ट इज दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हमारे लिए ऐसे यूजफुल है बिकॉज वी आर यूजिंग एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, राइट. बट वो एक्चुअल में एनवायरमेंट में के लिए क्या है, हार्मफुल है. बेसिकली हमने इसको क्या कर दिया है, यूजफुल बना दिया है बिकॉज वी आर यूजिंग एसीज एंड रेफ्रिजरेटर्स जो हमारे लिए यूजफुल है, बट एनवायरमेंट के लिए वो हार्मफुल है. नाउ ओजोन जो है वो एक्चुअल में ओजोन इन दिस फॉर्म ओजोन इज डेंजरस फॉर अस, बट इट इज प्रेजेंट इन दिस लेयर एंड फॉर्म एज अ ब्लैंकेट. तो ये हमारे लिए क्या है, एक यूजफुल आइडेंटिटी है, क्लियर. सो दिस इज द ओजोन. एंड ओजोन डिप्लीशन जो होती है हमारी, दैट इज ओजोन लेयर, जो ओजोन की जो लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. वो जो डिक्रीज हो रही है इन 1985 में एंटार्क्टिका में देखी गई थी कि जो इसकी जो थिकनेस है लेयर की वो क्या हो रही है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन विच वी आर क्रिएटिंग इन द एनवायरमेंट, क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट द ओजोन एंड इट्स डिप्लीशन एंड द इफेक्ट्स दैट ओजोन डिप्लीशन कैन क्रिएट. जो कि अगर ओजोन डिप्लीशन हो जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, दैट इज द एन नंबर ऑफ डिजीजेस आर कॉजेस. जो स्किन कैंसर है वो कॉज होता है, राइट. और जो जितना भी हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस है, डिजीज रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी, वो डिक्रीज हो रही है ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द ओजोन एंड इट्स डिप्लीशन. यू कैन राइट इट डाउन.